नए वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बॉलीवुड के फैंस हमें व्हाट्सएप करें हाय बिग फैन 8097426767 पर। अरे बिटिया, अभी तक तो यही है, गई नहीं? आज जरा देर से खुली पड़ी। इतनी देर में वो सारा घर उलट पुलट हो गया होगा। मैं चलूं। जल्दी जल्दी। गौरी बिटिया आई नहीं, ब्रेकफास्ट कहाँ बनाए? छोटे मालिक बड़े मालिक अंताक्षरी शुरू कर देंगे। बज गई घंटी, जाने की अब सबकी घंटी बज जाएगी। आप क्या बात कर रहे हैं, अपनी तो नौकरी चली जाएगी। गाड़ी में पेट्रोल भरवाना है, कूपन पर सिग्नेचर किससे करवाए? ये लो, फिर बज गई। अरे तुम सब लोग ऐसा काहे ठहरे हो, गौरी बिटिया नहीं ना इनका? मर गए। अब बड़े मालिक के कमरे में जाएं तो मुसीबत और ना जाएं तो मुसीबत। तुम्हें क्या है कि फिक्र है दुबे जी, तुम तो फेवरेट हो फेवरेट। अरे गौरी बिटिया नहीं ना इनना, गजब हो जाएगा। मालिक के कमरे में गए तो दन देनी से कुछ भी फैसला सुनाए देंगे। रिटायर हो गए पर जजी करे से बाज नहीं आवत है, और ना ही गए तो गौरी बिटिया हड़ गई। अरे ओ दुबे के बच्चे, 7:15 हो गए और चाय नहीं लाया। ए दुबे। आया मालिक। उसे मालूम है चाय के बिना मामला पिघलता नहीं है। अरे उन कहाँ मर गया था? अरे चिल्लाते चिल्लाते गला सूख गया। हम बिटिया का इंतजार कर रहे थे, बिटिया नहीं ना आई ना। बिटिया नहीं आई? नहीं आई। और उल्लू के तुम पाकता तो उसका इंतजार कर रहा था। चल रख रख इधर। अरे ऐसा मौका कब मिलेगा, एक काम कर, अलमारी खोल और रामायण ले आ। अच्छा रामायण? अरे तू ला तो। गठर मिल लागा चोर मुसाफिर। अरे लाना जल्दी, मुद्दत हो गई, मीठी चाय पियो जल्दी। आ चोरी चोरी बाके छोरी कभी। अरे सूरत पर 12 क्यों खड़ा है, लाना जल्दी। बिटिया की खबर हो गई तो? अरे बिटिया के अंतर्यामी है, चाय के अंदर क्या है उसे कैसे पता चलेगा। अरे अरे चोरी चोरी बाके छोरी, रोज मेरी चाय में आया करो। सुन गौरी के आने से पहले रोज इसी तरह चाय ले आया कर, तेरी तनख्वाह 7 बढ़ा दूंगा। अच्छा 10। तू कब आई? जब आपने प्याली में पहला शुगर क्यूब डाला था। अब अंकल, बच्चों की तरह चोरी छुपे शक्कर खाने में आपको शर्म नहीं आती? तनख्वाह तो तुम्हारी मैं बढ़ाती हूँ, तुम इनके जाके साथ शक्कर लाते हैं क्यों? बिटिया हम अब मैं भी गला साफ करूँ? दुबे सच सच बताओ, नहीं तो मैं ये भी नहीं देखूंगी कि तुम पुराने नौकर हो, निकाल बाहर करूंगी, समझे? बताओ शक्कर क्यों लाए? हम नहीं लाए बिटिया। ओ तो क्यूब खुद चल कर आए होंगे ना यहाँ पर? नहीं नहीं। तो राम राम। ओहो बेहद धार्मिक शुरू क्यूब लगते हैं, रामायण पढ़ते हैं। लाया तो था यही कम वक्त ना बेटी, इसके तन हमें 5 काट लेना। जब तूने बचा लिया, वरना ये तो मुझे मीठी चाय पिलाई देता। अच्छा अच्छा अंकल, ये महा डॉक्टर शशिकांत वर्मा अभी तक जागे कि नहीं? अरे बेटी तेरे जगह बिना कभी जगाए वो जा सकते कदा जा। तब समझती हूँ मैं, ले। ओहो हो हो हो, क्या ठाट से सो रहे डॉक्टर साहब, उठिए सुबह हो गई है। अरे उठते हो कि नहीं? ओ सोने दो ना। ये क्या बदतमीजी है? ये बदतमीजी नहीं डॉक्टर साहब, अलार्म घड़ी है। टाइम गिव्स यू करेक्ट टाइम। हेल विद्या है टाइम। खैर अभी दिखा दूं तुझे। भक्ति कहाँ है? अंकल जी। अरे अरे डैडी को बुला रही हो? मैं देख रहा हूँ तुम लिबर्टीज कुछ ज्यादा ही लेने लगी हो। डैडी के प्यार का ये मतलब नहीं कि सारा का तुम्हारा गुलाम हो गया, तुम्हारा इशारा में नाचेगा। अरे नाचेगा कैसे नहीं, सीधे जाकर के मुंह हाथ धो, नहीं तो पुकार के अंकल जी को। अंकल की ही लाठी मांगा करो दिन भर, बड़ी आई अंकल वाली। अंकल चाहता हूँ डैडी को बुलाती हूँ, जब देखो तुम बात ही रहती। हेलो। हाय शशि डार्लिंग, हाउ आर यू? हाय कृष्णा डार्लिंग। कहो रात कैसी कटी? पता नहीं, मैं तो सपना देखती रही। अच्छा अच्छा, तभी मेरे सपने में नहीं आई।
तो और कौन आया था? आई थी एक नई लड़की, नाम नहीं मालूम उसका। बड़ी खूबसूरत थी, इतनी बड़ी बड़ी आंखें थी उसकी कि मेरे सारे सपने उनमें समा जाए, फिर भी वो खाली की खाली लगे। और उसके बाएं गाल पर नीचे की तरफ एक तिल है। दाएं गाल पर है, बाएं गाल पर नहीं। यू फ्लैटरर। और परी लग रही थी, परी। परी नहीं, चुड़ैल है, चुड़ैल। क्या बदतमीजी है, गौरी की बच्ची, अभी दिखाता तुझे। बेशर्मे की भी हद होती है। गौरी, तुमसे किसे कहा था टेलीफोन में अपनी टांग अड़ाने के लिए? टांग तो बिल्कुल नहीं अड़ाई, बस सुना था। क्यों सुना था? अरे क्यों चाहा? देखो गौरी, होश में रहा करो, मुझे बातें अच्छी नहीं लगती। मुझे भी ये बातें अच्छी नहीं लगती। और वो बेशरम लड़की अपनी झूठी तारीफ सुनकर खिक 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 कर रही थी। तुम नीचे तो आ, तुम्हारी खबर लेती। क्या कर लोगी? आप ही मालूम पड़ जाएगा, इतनी जल्दी भी क्या है। रिटायर्ड जस्टिस श्री उमाकांत वर्मा का नाम तो सुना ही होगा आपने। अरे 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 सुनो तो, अरे सुनो गौरी, ये तो जाती है यार, बात बात पर धमकाती है। जिंदगी का मजा आ गया। जरा नजर रखना कहीं गौरी खिंचे टपक ना पड़े। देख ठीक है, मालिक मर गए, बेटी आ रही है। तब हो गए, रोको रोको रोको, नहीं रोक सकते, नहीं रोक सकते, बन बन चली आ रही है। तो क्या करे? हमें क्या पता, चल जाएगा मालिक, क्या करत हो। हद होती हर बात की, बात सब में भी लव न, कोई शर्म है न हाया। इतनी उम्र हो गई मगर फायदा क्या? मुझसे कुछ कहा नहीं, नहीं नहीं नहीं, वो सामने जो पेड़ है ना, डॉक्टर ने उसे सिगार पीने से मना किया था मगर वो मानता ही नहीं। चोरी छुपे एक आध सिगार जरूर पी लेता है। मैं सोचती हूँ उससे कुछ कहना ही बंद कर दूँ। फायदा क्या, मैं कुछ भी बकती रहूँ, मेरी सुनता कौन है। अरे अंधे, तेरी जेब जल रही है। जेब जल रही है? आप फेंकने से क्या होता है, इसी कमबख्त ने मेरी आदत बिगाड़ रखी है। बेकस मार लो मालिक, बीतिया भी दूर है और मैं इसके फुसलाने में आ जाता हूँ। अरे कमबख्त, तुझे अपने मालिक की सेहत का बिल्कुल ख्याल नहीं। डांट दिया उसे। तू कहते फिर से बुला के डांट दूँ? जी नहीं, मेरे सामने तमाशा करने से फायदा क्या। शौक से पीजिए आप सिगार, और कल से मीठी चाय भी पीना शुरू कर दीजिए। नहीं नहीं, आप सिगार पीजिए और ऊपर उन्हें तब में नहाने दीजिए। तब में नहाने किसकी बात कर रही है, शशि की? जी हाँ। क्या हुआ, फिसल गया क्या? जी नहीं, मगर फिसलने की पूरी तैयारी कर रहे। क्या किया क्या किया? वो हाँ। गुड मॉर्निंग डैड। गुड मॉर्निंग शशि। शशि जी, कृष्णा कौन है? कृष्णा, कृष्णा लॉर्ड कृष्णा डैडी। जरा पूछिए, लॉर्ड कृष्णा है या लॉर्ड नी कृष्णा? हाँ बोलो डैडी, आप इसको समझा दीजिए, मुझको ये हर बात में फुंदने लगाना अच्छा नहीं लगता। कृष्णा इज अ फ्रेंड, एनी ऑब्जेक्शन? अंकल जी, अंग्रेजी में यही तो बड़ी खराबी है, कृष्णा इज अ फ्रेंड, पता ही नहीं चला कि ये फ्रेंड लड़का है या लड़की। राइट वो भैंस का अंडा है, आपको कोई एतराज? एतराज क्यों होगा, जिस दिन ये भैंस का अंडा मिल जाएगा ना, ऑमलेट बना दूंगी। ये तो कमाल का दोस्त है, दोस्त का दोस्त भी है और अंडा भी है, नहीं मिलाओ ना एकदम इससे। जी वो, हाँ बोलो बोलो। देखो बेटे, लड़कियों से बात करने में कोई बुराई नहीं, लेकिन जिस लड़की की वजह से तुम्हें अपने डैडी से झूठ बोलने पर मजबूर होना पड़े, वो लड़की मिलने के काबिल नहीं। आगे तुम्हारी मर्जी। पर लड़की थी बड़ी खूबसूरत, ये बड़ी बड़ी आंखें जिसमें मेरे सारे सपने समा जाए, वाह क्या ओरिजिनल डायलॉग है। डैडी से शिकायत करती है। अंकल, डैडी को बुलाती है। ऐसी ही और सदाबहार फिल्में और गाने देखने के लिए आज ही डाउनलोड करें शिमारुमी और सब्सक्राइब करें क्लासिक पैक।